आज मैं आप लोगों को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में आज डिटेल्स देने जा रहा हूँ। सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन टू परफॉर्म ए ग्रुप ऑफ कोऑर्डिनेट फंक्शनल टास्क और एक्टिविटीज फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूजर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ग्रुप है, एक समूह है, एक सहायक समूह है फंक्शंस का, टास्क का और एक्टिविटीज का, जो कि यूजर के बेनिफिट में हो। यूजर के बेनिफिट के लिए जो भी काम वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करता है, जैसे हमें कोई पिक्चर ड्रॉ करनी है तो हम पेन का इस्तेमाल करेंगे, नोट पैड कुछ लिखना है तो नोट पैड का, वर्ड पैड का, टैली भी जो है अब तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही आता है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑल पैकेज। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑल पैकेज में आपका एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया और एमएस एक्सेस हो गया, ईटीसी। आगे बात करते हैं दोस्तों कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज डिजाइंड टू रन ए कंप्यूटर्स हार्डवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम। कहने का तात्पर्य है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रकार है कंप्यूटर प्रोग्राम का, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर्स के हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम के तालमेल को, सामंजस्य को बनाए रखने में हेल्प करता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में दोस्तों एग्जांपल है आपका डॉस है, जिसको हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, यूनिक्स है, लिनक्स है और अभी सबसे फ्रेंडली आपका चल रहा है विंडोज है, विंडोज एक्सपी भी है जो कि अब बिलिंग हो गया है, अब एक्सपी पे उतना काम नहीं होता है, जो भी नया अपडेट आए हैं वो आपका एक्सपी पे काम नहीं करता है। इसी में आपका विंडोज 2003 हो गया, विंडोज 2007 है, 10 है, विंडोज 2013 है, विंडोज 2016 है, ईटीसी। यही सब दोस्तों आपको एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आपको जानकारी दी।